आज मैं बनाने जा रही हूँ कीमा आलू के कटलेट। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक टेबल स्पून ऑयल डालूंगी, इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ये हमने 250 ग्राम मटन कीमा लिया है और हम चिकन का भी कीमा ले सकते हैं। हम इसको तेल में डाल लेंगे। ये एक टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, नमक जायके के मुताबिक, ये हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। इसको हम थोड़ी देर तक भून लेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे स्लो फ्लेम पर। ये कीमा खोल कर देखते हैं, ये खुश्क हो गया है। इसको हम निकाल कर अलग रख लेंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। ये हमने सरसों का तेल लेकर गरम करने के लिए रख दिया है इसको फ्राई करने के लिए। और ये हमने 7 आलू लिए हैं बॉईल करके, इसको हम मैश कर लेंगे। ये आलू हमने मैश कर लिए हैं, इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये 1 टीस्पून हमने काली मिर्च की थोड़ी दरदरी पीस कर ले ली है। ये चाट मसाला है, इसको 1/2 टीस्पून डालेंगे। ये हमने चावल का पीस कर पाउडर बनाया था, इसको हम 1 टीस्पून डालते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमने 1 बड़ा प्याज, 3-4 हरी मिर्च और थोड़ा हरा धनिया लेकर बारीक बारीक काट लिया है, इसको हम कीमे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम कटलेट बनाना शुरू करते हैं। थोड़े ये आलू लेकर इस तरह से हम आग पर रखेंगे। ये थोड़ा कीमा लेकर हम इसके अंदर रखेंगे और इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। इसको हल्के हाथ से इस तरह से हम कटलेट बना लेंगे। ये सारे कटलेट्स हमने तैयार कर लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये 2 अंडे लिए हैं हमने। इस कटलेट को हम अंडे में डिप करेंगे और इसको हम ब्रेड क्रम्स पर लगा लेंगे। ब्रेड क्रम्स हमने ये घर में ही बनाए हैं। अब हम इसको आराम से ऐसे तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा कटलेट लेंगे। अभी अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, इसको तेल में डालेंगे। ये देखिए गोल्डन कलर का हो गया है। अब हम सबको इसी तरह से पलट देते हैं। ये कटलेट अब पूरी तरह से सिक चुके हैं, इस
इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। नाज़रीन, ये कीमे आलू के कटलेट तैयार हो चुके हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी की वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं नेक्स्ट मुलाकात करूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।